हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूल डेमी। इस वीडियो में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो कि नीट और बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फ्लो चार्ट और डायग्राम का यूज़ करके हम किसी भी टॉपिक को इफ़ेक्टिवली कैसे पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़, मैंने नोट मेकिंग पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि हम कोई भी टॉपिक अपनी एनसीईआरटी में से ले सकते हैं या किसी भी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक ले सकते हैं और उसे डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में कैसे इजी बना सकते हैं। साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि हमारा माइंड फिगर्स की फॉर्म में चीज़ों को अच्छे से याद रख पाता है, लंबे समय तक याद रख पाता है। तो हम इस टेक्निक का यूज़ करके कैसे लॉन्ग टर्म तक चीज़ें याद रख सकते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में या किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। हम टॉपिक लेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके चार पार्ट्स हैं और ये चार पार्ट्स हैं पेयर ऑफ टेस्टीज, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स और पीनस। जो पेयर ऑफ टेस्टीज है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और पीनस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। देखिए, अगर हम पेयर ऑफ टेस्टीज की बात करें, आपकी एनसीईआरटी में ये पूरा टॉपिक 1.5 पेज का है। अगर हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1/4 पेज में कवर हो जाएगा। पेयर ऑफ टेस्टीज की अगर हम बात करें, पेयर ऑफ टेस्टीज की लोकेशन पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, फंक्शन पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंपोनेंट्स का मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया है। तो अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो टेस्टीज का जो पेयर होता है, ईच टेस्टीज कंटेन 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स। पर टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन 1-3 हाईली कॉइल्ड सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, मेल जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स। अब इनका फंक्शन क्या होता है? मेल जर्म सेल स्पर्म्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है और सर्टोली सेल मेल जर्म सेल यानी कि स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। अब सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स, जो भी ट्यूब्यूल्स होती हैं, इसके बाहर इंटरस्टीशियल स्पेसेस होते हैं जिसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल्स होते हैं जिसे हम लीडिंग सेल्स बोलते हैं। इनको हम इंटरस्टीशियल सेल्स भी बोलते हैं। इनका क्या काम होता है? टू प्रोड्यूस एंड्रोजन। अब आप देखेंगे ये पूरा हमने एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। दूसरा पोर्शन आता है एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स, अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, आपकी एनसीईआरटी में ये डायग्राम गिवन है। आप ये डायग्राम भी बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली 3 मार्क में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 1 मार्क में डायग्राम बना हुआ आ सकता है। जैसे सपोज ये वाले पोर्शन को ए करके मार्क कर दिया है तो उस ए का नाम लिखना होगा और हो सकता है उसका फंक्शन भी पूछा जाए। तो आप इस डायग्राम को प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम एक्सेसरी डक्ट्स की बात करें तो हमारी एनसीईआरटी में 4 एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में बात कही है, रेटी टेस्टीज। एक चीज़ और, टेस्टिस की स्पेलिंग इसमें TESTIS है, लेकिन यूजुअली जो पेयर ऑफ टेस्टीज की अगर हम बात करें तो उसकी स्पेलिंग TESTES होती है। यहाँ पर कई लोग गड़बड़ करते हैं, इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया है। तो हमारे 4 एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं, रेटी टेस्टीज, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमस, वासा डेफरेंस। ये टेस्टीज का डायग्राम यहाँ था, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए तो मैंने इसे जूम आउट करके बड़ा डायग्राम बना दिया है। देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था पेयर ऑफ टेस्टीज में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1-3 हाईली कॉइल्ड सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में हाईली कॉइल्ड सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो कॉइल करते हुए दे एंटर इनटू रेटी टेस्टीज। नाउ दिस रेटी टेस्टीज देन एंड्स अप इनटू वासा एफरेंशिया। ये जो डक्ट है ये वासा एफरेंशिया है, जो ब्लैक कलर की मैंने मार्क की है। देन इट एंड्स इनटू एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस आर द डक्ट्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द टेस्टीज। नाउ दिस एंटर्स इनटू वासा डेफरेंस। इस डायग्राम में देखेंगे, वासा डेफरेंस देन ओवरलूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर।
Now, these testes are as located outside the abdominal cavity. This vasa deferens enters inside the abdominal cavity and loops over the urinary bladder. अब जो भी इसका कंटेंट होगा वो पास होते हुए यहाँ पर रिलीज होगा. आप देखेंगे सेमिनल वेसाइकल जो ग्लैंड है ये अपना कंटेंट यहीं पर रिलीज करेगा जहाँ दोनों मिक्स होंगे, जिसको हम बोलते हैं इजैक्युलेटरी डक्ट. तो इजैक्युलेटरी डक्ट यूरेथ्रा के थ्रू स्पर्म्स को आउटसाइड टेस्टिस स्टोर करने में हेल्प करता है. ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है. हमारा एक्सेसरी डक्ट्स भी प्रिपेयर हो गया है, हमने रिवाइज कर लिया है. तीसरी चीज़ आती है एक्सेसरी ग्लैंड्स. तीन ग्लैंड्स हमारी एनसीईआरटी में डिस्क्राइब्ड हैं. कौन सी? सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. जो सेमाइनल वेसाइकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हैं ये पेयर्ड ग्लैंड हैं. ये देखिए वन पेयर और टू पेयर. प्रोस्टेट ग्लैंड ये क्योंकि ऊपर से ये यहाँ से कंटेंट रिलीज होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होता है जो कि सेमिनल वेसाइकल के नीचे प्रेजेंट होता है. तो दीज आर पेयर्ड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड इज अनपेयर्ड. अब इन तीनों का जो कंटेंट रिलीज होता है इसको टुगेदर हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा. इसमें क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट होता है? इसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है और एंजाइम प्रेजेंट होता है. एक मार्क में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रेप सर्वाइवर्स होते हैं उनकी टेस्टिंग के टाइम पे चेक किया जाता है कि अगर उनके वेजाइना में फ्रक्टोज का कंटेंट प्रेजेंट होता है तो टेस्ट पॉजिटिव होता है और वो फ्रक्टोज का कंटेंट यहीं से आता है, सेमिनल प्लाज्मा में से. एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का एक फंक्शन और है कि ये पीनस लुब्रिकेशन में हेल्प करता है. ये तीन टॉपिक हमने इन दो डायग्राम के थ्रू प्रिपेयर कर लिए हैं. पीनस के बारे में बताया है कि पीनस मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है. अगर क्वेश्चन आए कि ड्रॉ द डायग्राम और स्टेट द फंक्शन ऑफ पीनस या स्टेट द फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको डायरेक्टली पीनस के बारे में ही डिस्क्राइब करना है. इसमें बताया है कि इसका जो फ्रंटल पोर्शन होता है, टर्मिनल पोर्शन होता है, उसे हम ग्लैंड पीनस बोलते हैं और इसके ऊपर की एक एक्स्ट्रा स्किन होती है जिसे हम फोर स्किन बोलते हैं. इसमें स्पेशलाइज्ड मसल्स होती हैं जो कि इरेक्शन में हेल्प करती हैं और लेटर फर्दर वो इंसेमिनेशन में भी हेल्प करती हैं. तो अब आपने देखा कि इस छोटे से पोर्शन में मैंने इतना बड़ा टॉपिक कैसे डिस्क्राइब करा और अच्छे से रिवाइज करा.